अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ, ठीक है। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, 1.5 कप पिसी हुई चीनी, 1/2 कप सूजी और इसमें 2 टेबलस्पून घी जाएगा। फिर उसके बाद मैं चेक करूँगी, देखूँगी मुझे और ज़रूरत है कि नहीं। ये है 2 टेबलस्पून तिल और 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़ी सी पिसी हुई इलायची। अगर आपको इलायची नहीं पसंद है तो डिस्कार्ड कर दें, ना यूज़ करें। और ये हस्बे ज़रूरत मैंने 1 कप दूध रखा है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। वैसे मैंने 1 कप अपने पास नीम गरम दूध रखा है, ठीक है। ये देखें, मैंने ना ये वाला मेयरिंग कप यूज़ किया है, सब चीज़ें इसमें मैंने मेयर करके रखी है। अब मैं इसमें ना 1/4 टीस्पून, ये 1/4 टीस्पून है, इस इतना मैं नमक डालूँगी, ठीक है। तमाम चीज़ों को मैं इसमें, ये मैंने नमक डाला, इनको मिक्स किया, इसको मैंने छान लिया। अब मैं सबसे पहले काम ये करूँगी कि मैं सूजी को डायरेक्ट नहीं डालूँगी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए दूध में सोक कर दूँगी। थोड़े से दूध में मैं इसे सोक करूँगी, 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। बहुत थोड़े दूध में मैंने ये सूजी को सोक कर दिया, जो मेरे पास 1/2 कप सूजी है। 5 मिनट के लिए मैं 6 मिनट के लिए इसको छोड़ती हूँ। फिर सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के और इस आटे को मैं गूंद लूँगी, ठीक है। वो आपके सामने करूँगी। तिल और खशखाश, 2 टेबलस्पून तिल और 2 टेबलस्पून खशखाश, नहीं सॉरी, वो पिसा हुआ खोपरा, ये चला गया। 1.5 कप पिसी हुई शुगर है, 1/4 टीस्पून ठीक है, और मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी डालूंगी। फिलहाल मैं 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ और इसको मैं हाथ से मिक्स करूंगी, ठीक है। मैं इस तरह हाथ से इसको रब कर रही हूँ कि ये ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए, ठीक है। इस तरह हथेली की मदद से मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि ये यकजान हो जाए सब कुछ। फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि घी इसमें ठीक है कि नहीं है। मैंने 1 टेबलस्पून घी और डाला और ये देखें, मुझे अब ये बिल्कुल सही लग रहा है। ये देखें, ये बिखर नहीं रहा, मेरी मुट्ठी बन गई है पूरी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक हार्ड सा डो तैयार करूँगी। थोड़ा सा मैंने दूध डाला है, अब मैं थोड़ा सा और दूध डालूँगी, 1 टेबलस्पून और डाला। मैंने इसको हार्ड डो गूंदना है, सॉफ्ट नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये ढीला लग रहा था, मतलब ये कि लूज़ हो रहा था, मैंने 1 टेबलस्पून इसमें मैदा डाला है, बस। अब ये टाइट हमने गूंद लिया है, अब इसको मैं थोड़ा सा गूंद लूँ, ठीक है। फिर इसको रेस्ट के लिए मैं 15 मिनट रेस्ट के लिए इसको छोड़ दूँगी। मुझे थोड़ा सा ये लूज़ रख रहा था दूध की वजह से, ये दूध से ज़्यादा चला जाए तो परेशान नहीं होना। मैंने 1 टेबलस्पून मैदा और डाल दिया। अब ये देखें, ये टाइट सा हो गया और मैं इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, कवर करके इसको रख दूंगी। ये देखें, मैंने अब इसको रेस्ट देने के बाद और इसको मैंने बेल लिया है। ये देखें, थोड़ा मोटा ही रखना, बारीक भी नहीं और मोट। ये इसकी थिकनेस देख ले मैंने कितनी रखी है,
ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। अब मैं ये कुकी कटर से इसकी कटिंग करूंगी और फिर इनको मैं शैलो फ्राई करूंगी। जो ये फालतू है इसको मैं दोबारा से दूसरे बैटर के साथ इसको मैं दोबारा बेल लूंगी। ठीक हो गया। लो मीडियम फ्लेम पे ऑयल को इतना गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं करना, बस इतना गर्म हो कि छोटे छोटे बबल्स निकले, और मैं लो मीडियम पे इनको फ्राई करूँगी। ये घी है, ऑयल नहीं है, सॉरी। आप ऑयल में बनाना चाहते हो बना लो, लेकिन घी में ज़्यादा टेस्टी बनती है। ठीक है, ये देखें इतनी धीमी आँच पे, दरमियानी आँच पे, मतलब लो मीडियम फ्लेम पे मैं इनको कर रही हूँ। जब इनका अब कलर आना शुरू हो गया, मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। अगर ये क्रैक्स होने लग जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने डो में एक टेबलस्पून, दो टेबलस्पून मैदा ऐड करके और उसको टाइट डो में तब्दील कर देना है। अगर क्रैक, मेरी भी शुरू में दो क्रैक हुई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर दिया और फिर अब ये ठीक हो गया, फिर नहीं क्रैक हुएंगे। अब ये देखें, मैं हल्के लाइट गोल्डन कलर आ रहा है इनके ऊपर, प्यारा सा, तो मैं इनको साइड चेंज कर रही हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों क्रैक हो रही है। ठीक है, पहले एक आप डाल के और उसको देख लेना, तसल्ली कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मीठी टिकियाँ तैयार हो गई हैं। मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं ज़रा कि ये कितनी खस्ता, ये देखें, ज़रूर ट्राई करना। और आपको क्योंकि रेसिपी कोई इतनी मुश्किल नहीं है जो आपको शायद समझ ना आए, मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया, तो रमज़ान में ये बहुत काम आती है। रात को रोज़ा खोल के कुछ मीठा खाने को दिल चाहे तो फिर आप ये देखिए, अभी गर्म है ज़रा, तो इसलिए ज़रूर रमज़ान में बना के रखना।